साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब मैं दिल्ली में पत्रकारिता किया करता था उसी के दौरान एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पहुंचा। मुझे जानकारी ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कोई मीटिंग ले रहे हैं। बाहर खड़े कार्यकर्ता से मैंने सामान्य नागरिक की तरह से पूछा कि यार क्या चल रहा है अंदर, तो बोला कि भैया ज्ञान बट रहा है। मैंने कहा ज्ञान का मतलब, तो बोले कि मीटिंग तो पहले हुआ करती थी। यानी कि मीटिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बातें कही जाएं, कार्यकर्ता अपनी बात कहें और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात सुनकर के कोई फैसला लें या उस सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव के दौर में आ गई है कि वहां पर ज्ञान दिया जाता है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। अमित शाह जो कहते हैं कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसको चुपचाप सुन लेते हैं। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से कहा जो अभी हाल हाल में ही जीते हैं कि आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश से कुछ खास समुदायों को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है, उसका आप विरोध क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब ये था कि बदली हुई भारतीय जनता पार्टी में जब राजनाथ सिंह के कुछ बोलने की हैसियत नहीं है, पहले प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे तब गृहमंत्री बन गए, जब गृहमंत्री की सोच रहे थे तो रक्षा मंत्री बन गए, तो जब राजनाथ सिंह जैसे नेता की या लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता की इस भारतीय जनता पार्टी में बोलने की कोई हैसियत नहीं है तो अब हम क्या बोलेंगे। ये वास्तविक प्रतिरूप है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अब किस दौर में आ गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी में टू वे कम्युनिकेशन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें वन वे कम्युनिकेशन है। जितना बता दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को, उतना वो समझ लेते हैं। वैसे ही कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में मायावती द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को ठीक से ट्रीट नहीं करने दिया जाता, सामान्य तौर पर मिल ही नहीं पाते हैं। खैर ये पार्टियों के का आंतरिक मामला है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से गुलाम जैसा बर्ताव करते हैं कैसा करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि जब ये तरीका जो है ये पत्रकारों पर या अन्य लोगों पर अप्लाई होने लगता है, अमित शाह जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों या पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हों, तब आप उनका तरीका देखिए, वो उसी तरीके से बर्ताव करना चाहते हैं जैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रीट कर रहे हो, वैसे ही वो पत्रकारों को भी ट्रीट करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से करते हैं तो वो बर्ताव नीचे तक लागू होता है और भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल बदली हुई सी दिखाई देती है। आकाश विजयवर्गीय का मामला सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस समय माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। उनकी और शिवराज सिंह में बहुत अच्छी नहीं बनती थी, इस वजह से कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश से बाहर भेज करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। फिलहाल पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी भी हैं। उनके बेटे का एक वीडियो सामने आया, नगर निगम के तमाम सारे अधिकारियों को बैट लेकर के दौड़ा रहे हैं, बुरी तरीके से पीट रहे हैं। जब इसके बारे में उनसे बाद में पूछा गया तो वो अफसोस ना जताते हुए कह रहे हैं कि हमारा तरीका ही यही है कि आवेदन, निवेदन और फिर दन दनादन। आकाश विजयवर्गीय की बात को लेकर हंगामा भी बचा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो आकाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी भी हो गई, वरना गिरफ्तारी भी नहीं होती। खैर आकाश विजयवर्गीय जेल चले गए। इसके बाद ये सवाल उठ सकता है कि नगर निगम कर्मी वहाँ करने क्या गए थे। तो जब पत्रकारों की ने पड़ताल की तो फैक्ट बात है कि जो वो बिल्डिंग तोड़ रहे थे, जिन जर्जर मकानों को तोड़ने के नाम पर नगर निगम वाले पहुँचे थे, वो वास्तव में मकान जर्जर हो चुके थे और कभी भी गिरने की स्थिति में थे। तो नगर निगम को ये अधिकार है कि वो इस तरीके के मकानों को तोड़ सकता है। लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझसे बिना पूछे आप तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं, तो उनके तरीके को जायज किसी भी तौर पर नहीं ठहराया जा सकता। उनको लगता था कि अगर गरीबों के साथ गलत हो रहा है तो वो अन्य तरीकों से, चूंकि विधायक हैं, इस काम को रुकवा सकते थे। लेकिन चूंकि वो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो कैसे संभव था कि वो बैट लेकर कर्मचारियों पर सीधे टूट ना पड़े और उनको मारने पीटने न लगे। आकाश विजयवर्गीय का दे दनादन वाला वीडियो तो आपने देख लिया,
अब उनके पिता की बात सुन लीजिए। जब न्यूज 24 के एक पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपके बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो एक कर्मचारी को पीटते हुए दिख रहे हैं, क्या आप इसकी निंदा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहा था, तो वो पत्रकार को हैसियत भी बता देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जज हो, तुम्हारी आखिर औकात ही क्या है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि पत्रकार की आखिर औकात क्या होती है। पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। निगम के जो अधिकारी हैं वो अतिक्रमण वहां हटाने गए थे, ये उन पर देखिए किस तरह से बल्ले से अटैक कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपने बेटे के बारे में इस तरह की जो हरकत की गई है सरेआम सबके सामने दिन दहाड़े। मेरा बेटा कभी भी गलत काम नहीं करता, कोई गलत काम कर रहे होंगे तो उसको सबक दिया होगा उसने, इसे हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम कोई गलत काम करें। लेकिन ये कौन से विधायक होते हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, बल्ला उनके हाथ में है। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को कायम करने की, लेकिन जब विधायक खुद बल्ला लेकर लोगों को मारने दौड़े तो उस पर अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये काफी निंदनीय, आपको निंदा करनी चाहिए अपने बेटे की। आप जज हैं क्या? लेकिन तस्वीरें तो दिखा रही है कैलाश जी, आप जजमेंट कर रहे हैं क्या? जजमेंट बिल्कुल करेंगे, देखिए तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है, इस देश में कानून है, सिस्टम है, आप किसी पे बल्ला नहीं उठा सकते, आप ऐसे फैसला भी नहीं दे सकते। क्या है आपकी हैसियत? देखिए आप देख करेंगे किसी विधायक के बारे में? मेरी हैसियत औकात देखिए पहले, आप तस्वीरें देखिए कैलाश जी, उसके बाद आप जवाब दीजिए। हैसियत एक हिंदुस्तानी, एक नागरिक, आम नागरिक होने की मेरी हैसियत आपसे सवाल पूछने की है। कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर आप साफ सुन सकते हैं, वो सीधे सीधे पत्रकार की हैसियत और औकात की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय ने पहली बार ऐसा कुछ कहा हो, इससे पहले एबीपी न्यूज के पत्रकार ब्रजेश राजपूत से भी वो कह चुके हैं कि तुम हमसे बड़े हो गए हो। बाद में उस मामले में उन्होंने सफाई जरूर दी थी, लेकिन समय समय पर ये भारतीय जनता पार्टी जो बदले हुए स्वरूप वाली है, ये ऐंठ, घमंड और अकड़ अपनी दिखाती जा रही है। चाहे सांसद का जूता कांड हो या अभी हाल में ही गुजरात में एक विधायक का एक महिला को जूते से पीटने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेसिव मूड में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका शीर्ष नेतृत्व जो जिस तरीके का है वैसे ही बर्ताव नीचे के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तो पुराना वीडियो पहले आप देख लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय कैसे अपने मामले में यू टर्न लिया था उन्होंने और ब्रजेश राजपूत वाले मामले को मजाक में कही हुई बात कही थी। आज कुछ चैनल पर मेरे विवादास्पद बयान स्वर्गीय अक्षय जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनकी मौत पर दिखाया जा रहा है, यह मेरा अधिकृत बयान नहीं है। यह एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत से मैं मजाक कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि तुम पत्रकार बन गए तो क्या हमसे बड़े हो गए, उसको किसी ने शूट करके और इस संदर्भ से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। मेरा मन बहुत दुखी है और इस ये समाज जैसा होता है उसमें रहने वाले लोग उसी तरीके से हो जाते हैं और उनकी विचारधारा भी वैसे ही हो जाती है। जो ये नेताजी एक पत्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तो सामान्य तौर पर आप सोच कर देख लीजिए कि आप किस पत्रकार की औकात ज़्यादा मानते हैं, उस पत्रकार की जो सत्ता के विरोध में लगातार खड़ा रहता है और मुद्दों की बात करता है, या उस पत्रकार की जो सत्ता से कदम ताल मिलाकर चलते हुए आपके सत्ता प्रतिष्ठानों में बड़े बड़े काम करवा सकता है, या ये कह लें कि सत्ता की दलाली करता है। आप कौन से पत्रकार को बड़ा मानते हैं? एक जिला लेवल पर देखिए, पत्रकारों के तमाम सारे संगठित ग्रोह हैं, उनमें से आप उस पत्रकार को शायद बेहतर मानते हैं, यही कह सकते हैं कि इसकी देखिए बड़ी पकड़ है, जो थाने से लेकर चौकी तक आपकी बाइक छुड़वाने से लेकर तमाम सारे वो काम कर सके जो काम दलाली के दायरे में आते हैं। आप उस पत्रकार को किसी लेवल पर ज्यादा बेहतर मानते हैं जो डीएम और एसपी के साथ भले ही ना बैठ पाए लेकिन थानों में आपके काम करा दे। जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप प्रदेश स्तर की, अगर राजधानी स्तर की बात करते हैं, तो आप उस पत्रकार को ज्यादा बेहतर मानते हैं जो आपको आसानी से विधायकों सांसदों से मिलवा देता है, या वो पत्रकार जो बड़े बड़े अस्पतालों में जहां पर मंत्री विधायक किसी को एडमिट करा पाते हैं वहां पर एडमिट करा लेता है, या ये कह ले कि ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में जो शामिल होता है। आपके मन में क्या उस पत्रकार के प्रति अब इज्जत बची है जो मुद्दों की बात करता है, जो अच्छी बातों को लोगों के सामने लेकर आता है, या दिन भर खबरों में डूबा रहता है? तो जब प्रायोरिटी आपने बदली है तो वो प्रायोरिटी जिले से लेकर राजधानी स्तर तक और देश के स्तर तक बदल गई है। वैसे ही दिल्ली में जिसको बड़ा पत्रकार माना जाता है उसके मायने बदल गए हैं, वो बड़े बड़े मंत्रालयों में सीधे सीधे आपको अंदर घुसा ले जा करके आपके काम करवा पाता है या नहीं, यही आपके मन में किसी पत्रकार की धारणा बन गई है। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि कोई पत्रकार बड़ा पत्रकार तब है जब वो सत्ता से कदम ताल मिलाकर चल रहा है, तो ऐसे दौर में
पत्रकारों की औकात आप किस बात से आंकेंगे कि वो अच्छी खबर लिख लेता है या सत्ता के लोगों के साथ बैठ लेता है, ये खैर आप पे ही ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं पत्रकार उसको समझता हूँ जिसकी वो हिम्मत होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों से वो सवाल कर सके। ऐसे लोग अब पत्रकारिता में कम इसलिए बचे हैं क्योंकि 2014 के बाद जो पत्रकारिता का दौर आया है उसमें बड़े बड़े मीडिया संस्थान सीधे सीधे गोदी मीडिया की तरह, गोदी भक्त के तरह बर्ताव करने लगे हैं। खैर मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरा जो काम है वो आगे मैं कर रहा हूँ। तो अपनी मूल बात पर आता हूँ कि वीडियो मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया था कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का जो स्वरूप बदला है उसके लिए सीधे सीधे आप ही जिम्मेदार हैं। जब आप सत्ता में बैठे हुए लोगों से या सत्ता के बाहर भी लोग जो लोग हैं उन लोगों से सवाल करना इसलिए बंद कर देते हैं कि आपको लगता है कि ये तो आपकी मानसिकता के पोषक हैं और नफरत की राजनीति किसी खास वर्ग के प्रति बढ़ाने में इन पार्टियों का योगदान है, तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं और उनसे सवाल करना बंद कर देते हैं। और जब आप अपनी समस्याओं से आंखें मूंद लेते हैं तो पार्टियों को ये समझ में आता है कि इनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव करो, किसी भी तरीके से इनके साथ ट्रीट करो, ये हमारे भक्त बने रहेंगे और हमारे वोटर और सपोर्टर भी बने रहेंगे। ये स्थिति हमेशा राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक होती है क्योंकि लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि मतदाता ही सर्वोपरि होता है, लेकिन लोकतंत्र में जब किसी खास नेता को आप सर्वोपरि बना देते हैं तो आपके मुद्दे भी पीछे छोड़ते हैं और नेताओं का बर्ताव सामान्य जनता के प्रति, पत्रकार के प्रति भी इस तरीके के हो जाता है जैसे वो अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता से गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत की अपील सिर्फ इतनी है कि सवाल करना बंद मत करिए। अगर आप पत्रकार हैं या मतदाता भी हैं तो अपने नेताओं से सवाल करते रहिए और सवाल मुद्दों से जुड़े होने चाहिए, मुद्दों से भटकाने वाले नहीं होने चाहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, कोशिश है, लगातार कर रहा हूं कि आप जागरूक और सजग बने रहें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं।